मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मिलियर इंडिसेस के बारे में। मिलियर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका पूरा नाम है WH मिलियर। जिन्होंने सबसे पहले मिलियर इंडिसेस के बारे में बताया था 1839। इनका पूरा नाम है विलियम हेनरी मिलियर। शुरुआत करते हैं इसके स्टेटमेंट से। तो इन्होंने कहा था अगर मिलियर इंडिसेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वेस्ट इंडिसेस का हमें रेसिप्रोकल करना होगा, तो उसी को हम लिख लेते हैं द मिलियर इंडिसेस। तो यही हमें देखना है, दी मिलियर इंडिसेस ऑफ अ क्रिस्टल प्लेन इज रेसिप्रोकल ऑफ वेस्ट इंडिसेस एज इन टर्म ऑफ इंटीजर अगर हमारे पास कोई वेस्ट इंडिसेस हो अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास मिलियर इंडिसेस मिल जाएगी। तो इसमें कुछ हमें अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट है मिलियर इंडिसेस नेवर बी इन्फिनाइट। हमारी मिलियर इंडिसेस जो होगी वो इन्फिनाइट नहीं होगी। जैसे कि हमने पढ़ा था रेशनल इंडिसेस में, उसमें एक्स और वाई की यानी वन या टू एक्सिस की जो हमारी इंटरसेप्ट होती थी वो इन्फिनाइट हो जाती थी, लेकिन मिलियर इंडिसेस में ऐसा कुछ नहीं होगा। मिलियर इंडिसेस में कोई भी वैल्यू इन्फिनाइट, कोई भी जैसे एक्स वाई जेड की तीन वैल्यू आएंगी वो हमारी कोई भी इन्फिनाइट नहीं होगी। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, यही रेसिप्रोकल आप कर दो वेस्ट इंडिसेस का। यही इसका स्टेटमेंट जो है वही मैंने लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ वेस्ट इंडिसेस। और हमारे पास तीसरा पॉइंट जो होगा, अगर हमारे पास कोई ओरिजिन पे प्लेन है, कोई प्लेन हमारा मैं भी दिखाऊंगा आगे ड्रॉ करके, कोई हमारा ओरिजिन पे प्लेन है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। प्लेन इज नेवर कंसीडर ऑन दी ओरिजिन। नो फ्रैक्शन वैल्यू, हमारी वैल्यू जो भी है वो आएगी वो हमारी एक इंटीजर वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो इसको अब हम समझते हैं एक एग्जांपल से। स्टेटमेंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया, तो अभी हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इंटरसेप्ट एक्स वाई जेड है और ये कट कर रही है थ्री ए थ्री बी थ्री सी पर। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें थ्री ए थ्री बी एंड टू सी, तो मिलियर इंडिसेस में मैंने बताया है कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो यले y इज इक्वल टू एम बी एंड z इज इक्वल टू एन सी। तो अगर हम इसे रिलेट करेंगे तो यहाँ पर l की वैल्यू 3
एम की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये हमारा मिलियर इंडिस, ये हमारा विस इंडिसिस हो जाएगा। लेकिन हम इसको एक प्लेन्स देखते हैं, जैसे हमने कल रेशनल इंडिसिस में देखा था, मैं फिर से उसको समझा दे रहा हूँ इसमें ड्रॉ करके। ये था हमारा कल, ये छोटा सा यूनिट प्लेन था और इसके बड़ा सा यहाँ पर एल था, यहाँ पर एम था, यहाँ पर एन था और इसकी डिस्टेंस ए थी, इसकी बी, इसकी सी। तो आज क्या इसमें क्या एग्जांपल है कि 3a 3b 3c, तो इसको हम एल की जगह, जो हमारा है एल की जगह, वो हमारा नाम हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, इस पॉइंट का नाम जो एम है और इस पॉइंट एन वाले का नाम हो जाएगा 2। तो हमने मैंने कल बताया था कि इसकी वैल्यू ये ए है, ये तो ए होगी, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी वो इसके मल्टीपल में होगी। तो मल्टीपल कैसे होगा, मल्टीपल यहाँ पर हुआ था एक्स इजिक्वल टू एल ए, वाई इजिक्वल टू एम बी, जेड इजिक्वल टू एन सी, ये मैंने कल बताया था। लेकिन आज यहाँ पर अगर यहाँ पर एल था तो इसके लिए एल ए मल्टीपल हो गया था। तो आज यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ए, तो इसका मल्टीपल हो जाएगा यहाँ से 3 है। और एम के लिए यहाँ पर कौन, एम का स्थान है, एम की जगह पर कौन है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, इस प्लेन के लिए हमारा बी है और इसके लिए हमारा हो जाएगा 3b, और एम की जगह पर हमारा 2 है तो ये हो जाएगा 2c। तो यही हो जाएगी हमारी एलेवन की वैल्यू, ये एल की वैल्यू ये हो जाएगी, ये वैल्यू एम की हो जाएगी, ये वैल्यू एन की हो जाएगी। तो एलेवन हमारा क्या था, सिंथेसिस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3, इसकी 3, इसकी 2। वेस्ट इंडिसेस हमें मिल गया 3 3 2। तो अगर हम अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने लिखा था या फिर इसका स्टेटमेंट देख लेंगे, तो इसमें लिखा था कि रेसिप्रोकल ऑफ वेस्ट इंडिसेस, तो वही हो जाएगा हमारा मिलियर इंडिसेस। तो इसी को हमें रेसिप्रोकल करना है, तो हम लिख लेते हैं पहले वेस्ट इंडिसेस हमारी होगी। तो हमारा ये पहला वाला हो गया वेस इंडिसेस, ये हमारी होगी। अभी हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ वेस इंडिसेस। हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ये 3 था, ये 3 था, ये 2 था, 1/3 1/3 1/2। तो अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाकर देखेंगे, उसमें लिखा है मैंने कि फंक्शन वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पर फंक्शन में आ रहा है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जैसे कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ला सप्पा, इसको हम ऐसे लेते हैं, ये 2 3 3। तो सबसे पहले इसको हम स्मॉल वाले को जो डिवाइड हो रहा है उसको करेंगे, 2 ये 3 ये 3 3 से, तो नीचे 1 1 आ जाना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 6। अब जो हमारा ये एलसीएम आएगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेसिप्रोकल में, ये हो जाएगा 3 1 3 3 3 6 2 3 6। तो हमारी मिलियर इंडिसेस क्या हो जाएगी, 2 2 3। यही हो गई हमारी मिलियर इंडिसेस 2 2 3। तो एक पॉइंट और, इसमें मिलियर इंडिसेस को जनरली डिनोट किया जाता है एच के एल से, इसको भी यहाँ पर यहीं पर लिख लीजिए।
तो अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, मिलियन इंडिसेस के अंदर ही है। इसमें हम प्लेन के बारे में देखेंगे। तो सम प्लेन्स ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इन टर्म्स ऑफ मिलियन इंडिसेस, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हम मिलियन इंडिसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्लेन ड्रा करेंगे। कैसे कैसे करता हूँ देखते रहिए। ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी एक्स, ये हमारी जेड। तो अभी हम इसको भी मिलाएंगे, इसको फिर इसको। अब हमारे पास देखिए कितना प्लेन हो गया है। हम इसका नाम देते हैं यहाँ से, ये ओरिजिन हमारा यहाँ से एक्स, ये वाई और ये जेड, तीन एक्सिस यहाँ से पास हो रही है। यहाँ पर ओरिजिन हमारे, ये इंटरसेक्ट सारा पॉइंट यहीं पर हो रहा है। तो इस ओरिजिन से यहाँ से हमारी ये हो जाएगी ए, इसको नाम देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ई, एफ और इसको जी दे देते हैं। तो अभी हमारे पास प्लेन कितना है, कहाँ कहाँ, मैं उसको दिखा देता हूँ। एक प्लेन हमारे पास ये है और दूसरा वाला हमारे पास ये है। एक प्लेन हमारे पास ये है और दूसरा वाला प्लेन ये है। अब तीसरा वाला प्लेन जो होगा हमारा, एक पॉइंट जेड पर, एक पॉइंट वाई पर और एक पॉइंट इस पर होगा। तो इससे हम एक पॉइंट ड्रा करेंगे, यहाँ से ऐसे आएगा यहाँ तक और फिर इस वाले से ये पॉइंट ऐसे है ही, और इस पॉइंट से एक पॉइंट और जाएगा, एक लाइन और जाएगी यहाँ तक, फिर एक प्लेन हमारे पास एक और आ जाएगा ये वाला। तो अभी आपको कितने सारे प्लेन दिख रहे हैं मैं दिखा देता हूँ आपको, कौन कौन से प्लेन है। जी जी बी सी ई, एक प्लेन ये हो जाएगा हमारा और दूसरा प्लेन ये हो जाएगा। एक ये इधर आ रही है लाइन, ये इधर आ रही है और फिर इसे एक सीधी लाइन यहाँ पे आ रही है, ए जी ई, यहाँ पर हम कुछ नाम दे देते हैं, सी डी, यहाँ पर हमारा डी, ए जी ई डी, एक प्लेन ये हो गया और दूसरा ए जी एफ, ये वाला प्लेन हो जाएगा। अब हमारा पास चौथा प्लेन जो आएगा वो हो जाएगा ये वाला, जिसको मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मार्क नहीं किया है, ए बी सी डी, एक प्लेन ये हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास एक और प्लेन होगा यहाँ पर, ये कैसे, ये सी डी एफ ई, ये वाला प्लेन, ये सारे प्लेन हमें मिल जाएंगे। इसको हमें पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास एक प्लेन और यहाँ से मिलेगा, यहाँ से ओ से जो जाएगा, ओ ए बी जी ए, एक प्लेन हमारे पास ये भी तो मिल रहा है। लेकिन ये ओरिजिन होते हुए जा रहा है, ये ओरिजिन होते हुए जा रहा है। तो मैंने अभी लिखवाया था कि ओरिजिन तो कोई भी प्लेन हमारा कंसीडर नहीं होगा, तो ये हमारा प्लेन तो पड़ रहा है लेकिन हमारा ये ओरिजिन से जा रहा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और एक प्लेन और है ओ एफ ई जी, एक प्लेन ये वाला, ये भी हमारा ओरिजिन से जा रहा है, इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन सा प्लेन हमारे पास है, बी सी ई जी, उसके बाद ए बी सी डी, फिर उसके बाद सी डी ई एफ, ये वाला प्लेन, सी डी एफ ई कर लीजिए ना, सी डी एफ ई, एक प्लेन ये हो गया हमारा। और एक प्लेन ये ई जी ए डी,
एक हमारे पास ये वाला ए एफ जी एंड ए एफ जी, ये इतना प्लेन हमें पढ़ना है और हमारा जो प्लेन पढ़ रहा है उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। दूसरा वाला प्लेन जो है ये वाला ओ जी बी ए, और दूसरा वाला हमारे पास है ये वाला ओ एफ ई डी ई जी, ओ एफ ई जी ना कंसिडर बिकॉज दिस इज ओरिजिन, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो सर अब हम एक एक प्लेन करके सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बी सी ई जी का, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है पहले वो देख लीजिए। पहले मैं बता दूँ तो हमें ये प्लेन दिया गया है, यहाँ पर ये प्लेन दिया गया है, यहाँ पर प्लेन दे दिया जाएगा। तो इससे हमारे मिलियर इंडिसेस निकालनी है, तो मिलियर इंडिसेस चलिए निकालते हैं। बी सी ई जी हमारे पास यहाँ पर प्लेन कहाँ है, ये बी सी ई जी, हमें इस प्लेन की बात करनी है। तो बी सी ई जी के बारे में हमें देखना है कि इसकी पहले इंटरसेप्ट देखेंगे, ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट इसकी है, और ये क्या ये वाई पर है, वाई इधर एक्सिस है, ये प्लेन इससे इस पर टच कर रहा है नहीं कर रहा है, और जेड एक्सिस पर भी नहीं, कहीं कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है। तो यहाँ से इसका पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ए, जैसे कि अभी मैंने लिया था थोड़ी देर पहले ओ से कुछ डिस्टेंस थी उसको मैंने ए लिया था, तो यहाँ से भी हम ए लेंगे। तो इंटरसेप्ट हमारी हो जाएगी यक्स पर हो जाएगी ए कहिए, या फिर इसको वन इंटू ए, ताकि ये हमें मिलियर इन वेस इंडिसेस, जैसे कि हमारा एल ए था, एल की वैल्यू हमें कुछ चाहिए ना, तो हमें वेस इंडिसेस निकालना है। तो इससे पहले अगर कोई गिनती नहीं है तो हम वन ले लेते हैं, वन ए है तो ए कितना है, वन है ना, तो वन ए ले लेंगे। तो फिर हमारा वाई पर देखेंगे, वाई पर इंटरसेप्ट करनी है। तो हमारी इंटरसेप्ट जो होती थी, इससे पहले मैंने बताया था ये प्लेन अगर ऐसे है किसी एक्स एक्सिस पर पड़ रहा है तो दूसरी एक्सिस के पर पैरेलल हो जाता है ये एक्सिस, अगर हमारा प्लेन ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है ये वाई भी एक्सिस ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये वाई एक्सिस जो हमारी है वो इन्फिनाइट हो जाएगी। जैसे कि हमारी ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस का प्लेन है, तो ये प्लेन इस पर कैसे कट करेगा, कब कट करेगा, ये हमारा प्लेन जो है यहाँ पर ये इस पर कट करेगा नहीं करेगा, अगर ये हमारी एक्सिस ऐसे बढ़ती जाए और ये प्लेन हमारा आगे बढ़ता जाए तो ये बढ़ते चले जाएंगे लेकिन ये कभी कट नहीं करेंगे, तो यक्स और हमारा वाई जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो वाई पर हमारा क्या था, हमारा वेस इंडिसेस क्या था, एल ए एम बी एन सी, तो यहाँ पर वन ए एल ए एम बी एन सी होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें एल एम एन तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्फिनाइट में अगर लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो हमारी ये इंटरसेप्ट हो गई, अब वेस इंडिसेस देखते हैं। वेस इंडिसेस हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से वन हो जाएगी, यहाँ से इन्फिनाइट, यहाँ से इन्फिनाइट। तो हमें मिलियर इंडिसेस निकालना है, तो मिलियर इंडिसेस निकालने के लिए जो हमारे पास वेस इंडिसेस होती है उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल वन बाई वन, वन बाई इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी। तो अब हम हमारी आ जाएगी मिलियर इंडिसेस, यहाँ से वन वन वन, इन्फिनाइट का इसमें करोगे तो जीरो, ये हो जाएगा जीरो, इन्फिनाइट से वन में भाग दोगे तो वो जीरो हो जाएगा। कैसे अगर वो देखना हो तो वो देख लीजिए, अगर हम किसी वन का अगर हम भाग करें टेन में तो ये हमारे पास क्या आएगा, जीरो पॉइंट वन, लेकिन अगर वन का करें हंड्रेड में तो जीरो पॉइंट जीरो वन, ये हमारी वैल्यू धीरे धीरे घटती जा रही है, जितने जितना हमारा नीचे नंबर बढ़ता जाएगा वो वैसे वैसे हमारी वैल्यू घटती जाएगी। यहाँ पर वन था, यहाँ पर पॉइंट वन था, यहाँ पर पॉइंट जीरो वन है, अगर हम करें वन बाई टेन थाउजेंड तो हमारे पास हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन, जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे जैसे गिनती बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नीचे का अंक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये वैल्यू और घटती जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ पर करोड़ों में वैल्यू आ जाए ये वन इतनी ज़्यादा दूर चला जाएगा कि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, इसीलिए जब इन्फिनाइट से हम इसमें भाग देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा।
अगर ये तो हमारे पास कुछ नॉन वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर ये वन इतनी दूर चला जा रहा है कि उसको उसकी मीनिंग कुछ नहीं रह जा रही है, वो निगलिजिबल हो रहा है, निगलिजिबल हो जा रहा है। तो इन्फाइनाइट में क्या होगा, वो तो जीरो ही हो जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं, ये प्लेन हो गया हमारा, बात कर रहे हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी तो इसमें हमारी इंटरसेप्ट आ रही है वो वाई पर है, लेकिन एक्स पर नहीं है, नहीं जेड पर है, जेड एक्सिस ये है। तो ए बी सी डी हमारा प्लेन ही है, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट हमारी आ रही है वाई पर। तो इंटरसेप्ट यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, तो अगर वाई के लिए हमारे पास वन ए वन बी आ जा रही है, तो हमारे जेड के लिए क्या होगी। अगर हमारी किसी एक पार हमारा ये है तो दूसरे के पैरेलल हो जाता है, मैंने अभी बताया था, वैसे ही हो जाएगा। इसके लिए भी इन्फाइनाइट हो जाएगा और इसके लिए भी इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फिर सिंथेसिस हो जाएगा इन्फाइनाइट, यहाँ पर वन, यहाँ पर इन्फाइनाइट। और इसका रेसिप्रोकल अगर हम निकाल लेंगे वन बाई इन्फाइनाइट, वन बाई वन, वन बाई इन्फाइनाइट, तो मिलियर इंडिसेस हमारी हो जाएगी, यहाँ से जीरो, यहाँ से वन, यहाँ से जीरो। इसकी ये थी वन वन जीरो जीरो, इसकी है जीरो वन जीरो। तो हम बात करते हैं अगले प्लेन की, हमारा बी सी ई जी हो गया, ए बी सी डी हो गया, अब हमें देखना है ए जी ई डी। तो हमारे पास ए जी ई डी ये प्लेन है, तो यहाँ पर देखो ये वाई एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट है और एक्स एक्सिस पर भी है और जेड पर नहीं है, तो इसकी इंटरसेप्ट हो जाएगी। एक्स पर क्या होगी, वन इंटू है, वन इंटू बी, इस पर इन्फाइनाइट हो जाएगी। तो हमारी हो जाएगी वेस इंडिसेस वन वन इन्फाइनाइट। तो हमारे पास मिलियर रेसिप्रोकल निकालो, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट। तो हमारे पास हो जाएगी मिलियर इंडिसेस, इसके लिए वन, इसके लिए वन, इसके लिए ज़ीरो। ये हो गया हमारा ये प्लेन। अब हमारे पास होता है सी डी ई एफ, तो इसकी इंटरसेप्ट क्या होगी, क्या है सी डी ई एफ, तो सी डी ई एफ, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये देखिए जेड जेड एक्सिस पर, ये जेड एक्सिस है हमारी, जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और एक्स पर नहीं है, ना ही वाई पर है, कहीं पर नहीं है। तो फिर इंटरसेप्ट इसके लिए एक्स पर, एक्स के लिए यही है ना, एक्स एक्स के लिए इन्फाइनाइट, वाई के लिए इन्फाइनाइट, जेड के लिए वन इंटू सी। तो हमारी वेस इंडिसेस हो जाएगी इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट वन, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वन बाई इन्फाइनाइट, वन बाई इन्फाइनाइट, वन बाई वन। तो हमारे पास मिलियर इंडिसेस हो जाएगी जीरो जीरो वन। अब हमारे पास एक प्लेन और बचा है, सी डी ई एफ हो गया, ए एफ जी। ए एफ जी, तो देखिए यहाँ पर ये वाई पर भी इंटरसेप्ट है, एक्स जेड पर भी है और एक्स पर भी है। इसकी इंटरसेप्ट हो जाएगी इस पर भी वन इंटू ए, वन इंटू बी, वन इंटू सी। तो वेस इंडिसेस क्या हो जाएगी, वन वन वन, रेसिप्रोकल अगर निकालना चाहें आप, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, तो मिलियर इंडिसेस हो जाएगी हमारी वन वन वन। ये हो गया हमारा वन वन वन, ये हमारा प्लेन दिया था तो हमें इसे मिलियर इंडिसेस निकाल लिए। लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं अभी, जिसमें हमारा दिया हो सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट दी हो, तब तो हम कैसे निकालेंगे, तब तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये इंटरसेप्ट पहले ही अगर दी होगी तो सिर्फ हमें वैसे इंडिसेस रेसिप्रोकल और मिलियर इंडिसेस निकाल लेंगे। प्लेन ना दिया हो और भी आसान। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है,
कैलकुलेट द मिलियर इंडिसेस ऑफ क्रिस्टल प्लेन विथ कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सिस एट 6a 3b 3c, ये पहला, 2a-3b-3c ये दूसरा, तीसरा ये by 2b/4 इन्फिनिटी। तो अगर कोऑर्डिनेट में हमारा ये सिस्टम लिखा होता तो ये x पर होता है, ये y पर होता है, ये z पर होता है, ये सबको पता होता है, मैंने बता दिया, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। तो अगर हमें इसमें से विस इंडिसेस, हमें सिर्फ इसका इंटरसेप्ट दिया है, विस इंडिसेस निकालना है, तो इंटरसेप्ट हमारा जो होता था विस इंडिसेस क्या था, x = la mb nc, तो l की जगह पर ये है, m की जगह पर ये है, n की जगह पर ये है, तो हमारा विस इंडिसेस क्या हो जाएगा, यहाँ से 6, यहाँ से 3, यहाँ से 3। तो इसका रेसिप्रोकल अगर आप निकालोगे 1/6, 1/3, 1/3, तो ये कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका LCM निकाल लो आप, LCM निकालोगे तो 6 आएगा, मैंने निकालना कैसे वो बता दिया है, आप वैसे निकाल लीजिएगा, इसका 3 3 3 6 का निकालोगे तो 6 आएगा, तो जो 6 आएगा वो इसे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 × 6, 1/3 × 6, 1/3 × 6, छः का नाम 6 3 2 6 3 2 6, 1 2 2, तो मिलियर इंडिसेस हमारी हो गई 1 2 2, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा देखते हैं हम, इसकी इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी, 2 - 3 - 3, तो इंटरसेप्ट तो ये थी, ये हमारी है बेस इंडिसेस, बेस इंडिसेस। अब इसका रेसिप्रोकल अगर आप निकाल लोगे 1/2 - 1/3, अब इसका हो जाएगा -1/3, तो ये भी फंक्शनल में आ रहा है, तो इसका एलसीएम निकालोगे 2 3 3 का, तो ये भी हो जाएगा 6। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो निकाल सकते हैं आप ऐसे 2 3 3, 2 2 3 3, 2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जवाब 2 3 6 हो जाएगा, तो जो 6 आएगा इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 × 6 -1/3 × 6 -1/3 × 6, 2 3 6 3 2 6 3 2 6, तो मिलियर 3 2 2 3 2 2, मिलियर इंडिसेस हमारी हो गई थी 3 2 2, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है माइनस, इसको भूलना नहीं है, ये माइनस, तो ये 3 ऐसे, और ये 8 2 के साथ ये वाला माइनस, और इस 2 वाले के साथ ये माइनस, ये हो गई हमारी मिलियर इंडिसेस। इसको लिखने का एक और तरीका है, मिलियर इंडिसेस ये 3, ये जो माइनस है उसको हम बार में लिखें, इसे 2 इसका बार, ये जो 2 इसका बार, इसके बारे में मैं अगली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब तीसरा हम देखते हैं, ये हमारा इंटरसेप्ट है विस इंडिसेस, ये ए है, तो और यहाँ पर 1 लिख दो अगर, तो ये 1/2, ये बी है 1 × 1/4, पर ये हमारी जो है विस इंडिसेस इन्फिनिटी, तो इसका रेसिप्रोकल अगर आप निकालो 1/2 का 2, 1/4 का 4, और इन्फिनिटी का 1/∞, तो फिर इसकी अगर आप मिलियर इंडिसेस निकालोगे तो ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 4, और ये 1/∞ हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा, यहाँ तक ये हो गया हमारा आंसर। तो बस आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलियर इंडिसेस। अभी इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें प्लेन दिया था हमने, इसकी मिलियर इंडिसेस निकालनी है, तो अगर हमें अगर मिलियर इंडिसेस दी हो तो हम प्लेन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम बात करेंगे अगली वीडियो में। मैंने सोचा था इसी में बना दूंगा, लेकिन ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसके लिए अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें ज़्यादा दिए, खुदा हाफिज़।